फ्रेंड, आज हम अर्थक्वेक के बारे में डिस्कशन करेंगे। अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारे लाइफ लॉस होते हैं दोस्तों। ओके, ये एक बहुत बड़ा नेचुरल हजार से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ दोस्तों। क्या है अर्थक्वेक? कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ दी ओस्ट नेचुरल हजार्स व्हिच ऑफन टर्न इनटू डिजास्टर कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एंड लॉस टू दी ह्यूमन लाइफ। द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक वेरी अपॉन दी मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। अर्थक्वेक ऑकर एवरी नाउ एंड देन ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक्सेप्ट इन सम प्लेसेस व्हेयर अर्थक्वेक ऑकर रेयरली। द डिवास्टेशन ऑफ सिटीज एंड टाउन्स इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। दोस्तों, यही है अर्थक्वेक, बहुत बड़ा नेचुरल हजार्ड है। इसके वजह से दोस्तों बहुत सारे लाइफ चले जाते हैं दोस्तों, डिस्ट्रक्शन बहुत होता है। ओके, बहुत एरिया में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक का इंटेंसिटी रहता है, कुछ एरिया पे दोस्तों बहुत ही कम होता है, लेकिन अर्थक्वेक सब जगह जनरली होता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे मतलब कि मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा दोस्तों। अर्थक्वेक का मतलब क्या है? द रिलीज ऑफ एनर्जी। एन अर्थक्वेक इज द रिजल्ट ऑफ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट दैट क्रिएट सेस्मिक वेव। ओके, सेस्मिक वेव के वजह से जब एक एरिया पे दोस्तों एनर्जी रिलीज होता है, ओके, तो वहां पे क्या होता है कि सेस्मिक वेव क्रिएट होता है दोस्तों। इन सेस्मिक वेव के वजह से दोस्तों हमारा अर्थक्वेक होता है। द सेस्मिक एक्टिविटी ऑफ एन एरिया रेफर्स टू द फ्रीक्वेंसी टाइप एंड साइज ऑफ द अर्थक्वेक एक्सपीरियंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो यही था दोस्तों अर्थक्वेक, जहां पे दोस्तों सडनली एनर्जी रिलीज होता है। कैसे रिलीज होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ये एक एरिया है अर्थ के नीचे, ओके, ये एक हमारा एरिया समझ लीजिए। इस एरिया पे दोस्तों एक बार लोड पड़ रहा है, ओके, लोड पड़ने के कारण दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेस बिल्डअप होगा। क्या बिल्डअप होगा दोस्तों? स्ट्रेस बिल्डअप होगा। ओके, तो एक एरिया पे है, उस पर लोड पड़ रहा है दोस्तों, स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है। स्ट्रेस के कारण दोस्तों क्या होगा कि स्ट्रेन डेवलप होगा। ओके, क्या होगा? स्ट्रेन डेवलप होगा। ओके, जब दोस्तों और भी फोर्स पड़ेगा दोस्तों, ओके, और भी फोर्स अगर पड़ेगा दोस्तों, स्ट्रेन यहाँ पे जितना चेंजिंग हो रहा था दोस्तों, और ये दोस्तों ज़्यादा स्ट्रेस लोड नहीं ले सकता, लोड अगर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकता है तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगा दोस्तों? ये दोस्तों यील्ड पे पहुँच जाएगा, रीच यील्ड। ओके, रीच यील्ड, तो ये दोस्तों एक्स्ट्रा एनर्जी और नहीं ले सकता, तो ये क्या करेगा? ब्रेक कर जाएगा और फोल्ड हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप समझ लें कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक एरिया है दोस्तों, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, स्ट्रेस के कारण यहाँ पे एक स्ट्रेन डेवलप हो गया, लेकिन और भी फोर्स आगे बढ़ता गया, फोर्स के कारण और भी स्ट्रेस लोड बढ़ता गया, लेकिन ये जो एरिया है दोस्तों और स्ट्रेस नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि ये यील्ड पे पहुँच चुका है, यील्ड के कारण दोस्तों ये क्या करेगा दोस्तों? टोटली ब्रेक कर जाएगा। तो ये एक टोटली ब्रेक हो जाएगा दोस्तों, ये टोटली ब्रेक, ये जनरली आपको ब्रिटल डिफॉर्मेशन एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है दोस्तों। स्ट्रेस बढ़ने के कारण फॉल्टिंग हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ने के कारण दोस्तों आपको फॉल्टिंग हो जाएगा। ओके, फॉल्टिंग के कारण दोस्तों रिलीज ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो ये दोस्तों आपका ब्रिटल डिफॉर्मेशन एनवायरनमेंट में, ब्रिटल डिफॉर्मेशन एनवायरनमेंट मेंट में आपको जनरली अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। अर्थक्वेक का एक छोटा सा डेफिनेशन मैं बताऊंगा। एक होता है अनस्ट्रेंड रॉक, अनस्ट्रेंड रॉक होता है दोस्तों, ओके, इसके ऊपर दोस्तों स्ट्रेस बिल्डअप होता है, स्ट्रेस के कारण दोस्तों ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेस के कारण दोस्तों स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेन डेवलप हो गया। तो अगर ज़्यादा स्ट्रेन के कारण दोस्तों यहाँ पे रिलीज ऑफ एनर्जी हो जाएगा, रिलीज ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों ब्रेकिंग हो जाएगा। ओके, तो ये दोस्तों फिर से अनस्ट्रेंड हो गया, ये एक साइकिल होता है अनस्ट्रेंड। पहले यहाँ पे स्ट्रेस लगा दोस्तों, स्ट्रेस के कारण दोस्तों ये स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन होने के कारण दोस्तों ये पूरा जो जितना भी एनर्जी स्टोर हुआ था दोस्तों रिलीज हो गया, तो यहाँ पे एक फॉल्टिंग डेवलप हो गया, तो ये फिर से दोस्तों यहाँ पे अनस्ट्रेंड। तो यही है दोस्तों अर्थक्वेक, जहाँ पर रिलीज होता है एनर्जी, तो इसको ही हम अर्थक्वेक बोलते हैं। अर्थक्वेक इज द रिजल्ट ऑफ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, ये सडन प्रोसेस है, आपको मतलब कि अर्थ जियोलॉजिक प्रोसेस में एक एंडोजेनिक प्रोसेस आप जानते होंगे, एंडोजेनिक प्रोसेस में अर्थक्वेक जनरली एक सडन प्रोसेस के अंदर आता है दोस्तों, ये बहुत ही सडनली होता है। फॉर एग्जाम्पल,
यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक एग्जांपल ले जाते हैं। इफ यू थ्रो ए स्टोन इन ए पॉन्ड ऑफ स्टील वाटर, सीरीज ऑफ वेव आर प्रोड्यूस ऑन दिस सरफेस ऑफ वाटर, दीज वेव्स स्प्रेड आउट इन ऑल डिरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट व्हेयर द स्टोन स्ट्राइक द वाटर। ओके, तो सिमिलरली एनी सडन डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट मे प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन द क्रस्ट व्हिच ट्रेवल्स इन ऑल डिरेक्शन। दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हैं, दोस्तों ये एक पॉन्ड आपने ले लिया, यहाँ पे आपने एक स्टोन थ्रो कर दिया, थ्रो करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सभी डिरेक्शन में वेव जैसे ही होते हैं दोस्तों, अर्थ के अंदर भी कहीं पे भी अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है दोस्तों, सब डिरेक्शन में एनर्जी फैल जाता है। ओके, ये जो फैल रहा है अर्थ में, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सेस्मिक वेव बोलते हैं, क्योंकि जो रिलीज ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है कि सेस्मिक वेव, पी वेव, एस वेव, एल वेव एंड आर वेव, इसके बारे में तो हम सेस्मिक वेव में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों सपोज यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, द पॉइंट हुयर ब्रेकिंग ऑकर हुयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स, दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, फोकस। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे दो पॉइंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम याद रखते हैं, एक क्या है फोकस एंड क्या है हाइपोसेंटर। फोकस इज द पॉइंट ऑन द फॉल्ट व्हेयर रप्चर ऑकर एंड द लोकेशन फ्रॉम व्हिच सेस्मिक वेव रिलीज। यस दोस्तों, जहाँ पे अर्थक्वेक जनरली होता है, जहाँ पे दोस्तों अर्थक्वेक होता है दोस्तों, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, अर्थ के नीचे फोकस बोलते हैं और हाइपोसेंटर बोलते हैं। यहाँ पे पहला एनर्जी दोस्तों जनरेट हुआ था, जनरेट होने के बाद पानी में जैसे ही वेव होता है दोस्तों, यहाँ पे भी आप वेव देख सकते हैं। ओके, एनर्जी दोस्तों बाहर आ रहा है, तो ये एनर्जी दोस्तों यहाँ पे जब सरफेस पे पहुंचेगा तो इसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो पॉइंट आपको याद रखना होगा दोस्तों, एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अर्थक्वेक आपका ओरिजिनेट हुआ, व्हेयर अर्थक्वेक ओरिजिन। दोस्तों इसको आप क्या बोलोगे कि फोकस, लेकिन अर्थक्वेक ओरिजिनेट होने के बाद दोस्तों अर्थक्वेक वेव तो मतलब सब दिशाओं पे जाएगा दोस्तों, जो वर्टिकल पॉइंट है फोकस का दोस्तों यहाँ पे पहले पहुंचेगा। ओके, यहाँ पे ही पहुंचेगा लेकिन लेट पे, क्योंकि ये दोस्तों आपका मतलब कि ये आप देखिए कितना कम डिस्टेंस होगा, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस होगा। तो दोस्तों ये हमारे जहाँ पे पहला पहुँचेगा अर्थक्वेक वेव, इसको हम दोस्तों ईपी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ईपी सेंटर। यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं, द ईपी सेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज डायरेक्टली अबव द फोकस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों डायरेक्टली अबव द फोकस है ईपी सेंटर। ओके, तो ईपी सेंटर क्या है, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज डायरेक्टली अबव द फोकस, और द पॉइंट व्हेयर द अर्थक्वेक और अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन ओरिजिनेट। ओके, इसी पॉइंट से दोस्तों आपका अर्थक्वेक ओरिजिन होता है दोस्तों अर्थ में, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों वेव जब मूवमेंट करता है अर्थ के नीचे दोस्तों, ये अर्थक्वेक नहीं, जब ये दोस्तों पहुंचेगा दोस्तों अर्थ के सरफेस के ऊपर दोस्तों, यहाँ पे तो ओरिजिन हो गया, लेकिन ये जो एनर्जी अर्थ के सरफेस पे ऊपर आएगा उसके बाद दोस्तों अर्थ में बहुत सारे चेंजेस होगा, इसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। तो ये पॉइंट जहाँ पे अर्थक्वेक वेव ओरिजिन हुआ था इसको फोकस बोलते हैं। तो एंड द पहला पॉइंट जब दोस्तों अर्थक्वेक सरफेस को पहुंचेगा दोस्तों, इसको हम एपिसेंटर बोलते हैं दोस्तों। ओके, द पॉइंट हुयर अर्थक्वेक ओरिजिन इज नोन एज फोकस, एंड द पॉइंट हुयर फास्ट अर्थक्वेक वेव रीच टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज एपिसेंटर। थोड़ा इसमें ध्यान रखना दोस्तों, फोकस क्या है, फोकस अर्थ के नीचे होता है, ये वाला हमारा फोकस है, लेकिन यहाँ पे पहला अर्थक्वेक वेव दोस्तों यहाँ पे पहुंच रहा है, तो इसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, व्हाई डू अर्थक्वेक ऑकर, आपको भी बता चुका हूँ दोस्तों अर्थक्वेक होने का पहला कॉज क्या है दोस्तों, ये डॉक्टाइल डिफॉर्मेशन एनवायरमेंट में अर्थक्वेक होता है दोस्तों, सॉरी ब्रिटिल डिफॉर्मेशन एनवायरमेंट में। ब्रिटिल डिफॉर्मेशन एनवायरमेंट मतलब समझ सकते हैं, ये दोस्तों अर्थ के टॉप मोस्ट पार्ट जैसे कि क्रस्टल पार्ट हो गया, वहां पे ज्यादातर आपको ब्रिटिल डिफॉर्मेशन एक्टिविटी देखने को मिलेगा दोस्तों। ओके, तो ब्रिटिल डिफॉर्मेशन एनवायरमेंट में ब्रेकिंग, रप्चर, क्रैक, फ्रैक्चर ये ज्यादातर होता रहता है दोस्तों, तो उसके कारण दोस्तों स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है और स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। आपके का खोज क्या है दोस्तों, स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है उसके बाद स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो उसी के लिए दोस्तों आर्थक्वेक
होता है दोस्तों, फ्रैक्चर, फॉल्ट, एनर्जी रिलीज एंड प्रोपागेट इन ऑल डायरेक्शन ए सेस्मिक वेव कॉजिंग अर्थक्वेक। ओके, तो आपका क्यों फ्रैक्चर होगा, क्यों फॉल्ट होगा, आपको भी पता है कि स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है और स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, इसके कारण दोस्तों आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। जनरली आपको फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट देखने को मिल जाते हैं और प्लेट का मूवमेंट करने के कारण दोस्तों वहां पे स्ट्रेस बिल्डअप होता है। प्लेट मूवमेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली स्ट्रेस बिल्डअप होगा, स्ट्रेस बिल्डअप होगा तो कभी ना कभी स्ट्रेस रिलीज भी होगा जब वो ईल्ड पे पहुंच जाएगा दोस्तों। तो अर्थक्वेक, सेस्मिक वेव, इनका दोस्तों डेफिनेशन आपको बता चुका हूं। तो अर्थक्वेक जो होता है दोस्तों सडन रिलीज ऑफ एनर्जी को अर्थक्वेक, लेकिन उसके बाद दोस्तों जो रिलीज हो जाएगा वो एनर्जी दोस्तों वेव फॉर्म में होता है। एनर्जी मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, इसको हम सेस्मिक वेव बोलते हैं दोस्तों, PSLR वेव होते हैं। ओके, फोकस्ड हो जाती है अर्थक्वेक वेव ओरिजिनेट एंड द एपिसेंटर होयर द अर्थक्वेक वेव रीच फास्ट टू द अर्थ सर्फेस। ओके, अर्थक्वेक वेव जहां पे दोस्तों फास्ट पहुंचता है अर्थ सर्फेस को तो उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। और भी दो यहाँ पे है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, एक है होता है दोस्तों आइसोसेस्मल लाइन, आइसोसेस्मल लाइन। आइसोसेस्मल लाइन क्या होता है दोस्तों, आप ये समझिए कि ये दोस्तों हमारा अर्थ है, ये दोस्तों हमारा अर्थ है। ओके, ये हमारा एक फोकस है, लेकिन इस फोकस से दोस्तों अर्थक्वेक वेव जनरेट हो गया। जनरेट होने के बाद ये दोस्तों एपिसेंटर में पहुंच गया। ओके, एपिसेंटर में पहुंच गया तो दोस्तों जैसे ही आपने यहाँ पे पानी को आपने थ्रो किया एक पॉन्ड पे, एक साइलेंट वाटर पे, तो दोस्तों पानी जैसा ही वेव क्रिएट करता है दोस्तों, अर्थक्वेक भी ऐसा ही वेव क्रिएट करेगा दोस्तों। ओके, जो सरफेस वेव यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ओके, एल वेव, आर वेव दोस्तों, तो चारों दिशाओं पे मूव हो जाएंगे। ओके, और जितना एपिसेंटर के पास जो वेव देखने को मिलेगा और दोस्तों हाई इंटेंसिटी वेव। ओके, और जो वेव दोस्तों आप एपिसेंटर से दूर देखने को मिलेगा दोस्तों, वो जनरली उनका फ्रीक्वेंसी थोड़ा लो होता है दोस्तों। ओके, तो आइसोसेस्मल लाइन क्या है कि जॉइन द पॉइंट ऑफ सेम इंटेंसिटी और इक्वल डैमेज। दोस्तों क्या होता है कि जो सेंटर एपिसेंटर के पास जो लाइन होते हैं वहां पे दोस्तों इंटेंसिटी थोड़ा हाई होता है, लेकिन एपिसेंटर से जितना आप दूर जाओगे दोस्तों अर्थक्वेक का इंटेंसिटी दोस्तों कम होता है। तो ये जो लाइन आप देखने को मिल रहा है, ये जो इक्वल इंटेंसिटी ऑफ लाइन, ओके, इक्वल इंटेंसिटी ऑफ लाइन अवे फ्रॉम द एपिसेंटर, तो इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम इनको बोलते हैं आइसोसेस्मल लाइन। मैं यहां पे लिखने की कोशिश करूंगा दोस्तों, आइसोसेस्मल लाइन। ओके, तो द लाइन जॉइन द पॉइंट ऑफ सेम इंटेंसिटी। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आइसोसेस्मल लाइन। ओके, आइसोसेस्मल लाइन। उसके बाद और भी एक है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोसेस्मल लाइन। ओके, होमोसेस्मल लाइन, एक होता है इक्वल इंटेंसिटी को हम आइसोसेस्मल बोलते हैं, होमोसेस्मल लाइन जो है क्या बोलते हैं दोस्तों, जॉइन द प्लेस होयर शॉक फ्रॉम द अर्थक्वेक अराइव एट द सेम टाइम। ये दोस्तों हमारा अर्थ है, ओके, यहाँ पे अर्थक्वेक वेव मतलब जनरेट हो रहा है, इस पॉइंट पे जितना टाइम पे पहुंचेगा दोस्तों इस पॉइंट पे अलग टाइम में पहुंचेगा। ओके, दूसरा टाइम पे अलग टाइम पे पहुंचेगा दोस्तों, द लाइन होयर अर्थक्वेक वेव रीच एट द सेम टाइम। ओके, द लाइन होयर अर्थक्वेक वेव reach at the same time, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हमारा होमोसेस्मल लाइन। तो आइसोसेस्मल लाइन क्या है, इक्वल इंटेंसिटी। आइसोसेस्मल लाइन क्या है दोस्तों, इक्वल इंटेंसिटी। आइसोसेस्मल लाइन क्या है अर्थक्वेक में, इक्वल इंटेंसिटी को ये इंडिकेट करता है, इक्वल इंटेंसिटी को ये इंडिकेट करता है दोस्तों। होमोसेस्मल लाइन क्या है, होमोसेस्मल लाइन क्या है दोस्तों, इक्वल टाइम को ये इंडिकेट करता है, अर्थक्वेक वेव रीच एट टाइम को ये दोस्तों इंडिकेट करता है। ओके, अर्थक्वेक कब पहुंचा दोस्तों, अगर इक्वल टाइम में एक लाइन पे पहुंच रहा है तो इसको हम दोस्तों
होमोसेस्मल लाइन बोलेंगे। ओके तो दोस्तों यही थे पी वेव, एस वेव, एल वेव। आप समझ सकते हैं जनरली एल वेव आपको अर्थ के सरफेस के ऊपर देखने को मिलेंगे। इन यही एल वेव के कारण दोस्तों आपको जितने भी सारे डैमेजेस होते हैं आपको देखने को मिलेंगे, तो इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। एस वेव सेस्मिक वेव का मूवमेंट कैसे होता है आपको इनके बारे में बहुत ही अच्छे से प्रीवियस वीडियो में बोल चुका हूँ दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों अर्थक्वेक को हम कैसे मेजर करते हैं। दोस्तों अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम एक सेस्मोग्राफ, एक मशीन को यूज करते हैं दोस्तों। सेस्मोग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके ये दोस्तों एक फ्री ऑब्जेक्ट होता है। ओके वो अर्थ के अंदर रखा जाता है दोस्तों। ओके आईआईटी रुड़की या आईआईटी बॉम्बे में आपको ये मशीन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये ग्राफ पेपर में दोस्तों ये हर टाइम अर्थ कितना सेक हो रहा है उसको दोस्तों ये नोट डाउन करता रहता है। ओके अर्थक्वेक देखिए दोस्तों कैसे करता है। यहाँ पे अगर वेव आ रहा है अर्थक्वेक इतना कहीं पे अर्थक्वेक होगा तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में इसका दोस्तों वाइब्रेशन होगा और इसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं दोस्तों। ओके सेस्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्ट सेस्मिक वेव। ओके सेस्मोग्राफ रिकॉर्ड इंटेंसिटी एंड हाइट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ सेस्मिक वेव। दोस्तों यही सेस्मोग्राफ है जो कि हमारा अर्थक्वेक का जो भी इंटेंसिटी है सब कुछ यहाँ पे दोस्तों मेजर किया जाता है और रिकॉर्ड करता है दोस्तों सेस्मोग्राफ। ओके सेस्मोमीटर क्या करता है दोस्तों सेस्मिक वेव को दोस्तों डिटेक्ट करता है और सेस्मोग्राफ क्या करता है कि रिकॉर्ड रखता है कितना उसका एम्पलीट्यूड, कितना उसका फ्रीक्वेंसी। ये देखिए आप अर्थक्वेक देख सकते हैं। ओके तो दोस्तों जहां पे रिकॉर्ड होता है उसको सेस्मोग्राम बोलते हैं दोस्तों। सेस्मोग्राम उसको बोलते हैं दोस्तों, जहां पे रिकॉर्ड होता है उसको हम सेस्मोग्राम बोलते हैं। ओके तो आप समझ सकते हैं यही है दोस्तों अर्थक्वेक। देन अर्थक्वेक को मेजर दोस्तों दो तरीकों से किया जाता है। अर्थक्वेक को मेजर दोस्तों दो तरीकों से किया जाता है। एक होता है मैग्नीट्यूड स्केल, एक होता है हमारा मैग्नीट्यूड स्केल, दूसरा होता है हमारा इंटेंसिटी स्केल। तो पहले हम देखेंगे दोस्तों मैग्नीट्यूड स्केल। मैग्नीट्यूड स्केल में हम रिचर स्केल को जनरली यूज करते हैं। रिचर स्केल का मतलब वहां पे क्या मेजर किया जाता है दोस्तों, मेजर दी एनर्जी रिलीज बाय फॉल्ट मूवमेंट। दोस्तों एक फॉल्टिंग हो गया एक एरिया पे दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसा कितना एनर्जी आया दोस्तों उसी को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। रिलेटेड टू दी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एस वेव मेजर्ड फ्रॉम दी सेस्मोग्राम। हाँ दोस्तों यहाँ पे एस वेव का कितना एम्पलीट्यूड ज्यादा आ रहा है दोस्तों इसको हम यहाँ पे मेजर करते हैं। ये जनरली लॉगरिथमिक स्केल होता है दोस्तों। ओके लॉगरिथमिक स्केल क्वांटिटेटिव मेजर। ओके फॉर ईच होल नंबर देयर इज ए 31.5 टाइम इंक्रीजेस एनर्जी। ओके 31 टाइम, कोई कोई बुक में दोस्तों 33 टाइम भी देता रहता है। ओके थोड़ा देख लेना इसको, मतलब कि 33 टाइम मतलब एन इंक्रीज फ्रॉम 5 इंटेंसिटी टू 7 ऑन द रिचर स्केल। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 992 गुना ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुआ है। ओके अगर 5 to 6 मतलब 30 टाइम मोर एनर्जी। ओके 30 टाइम मोर एनर्जी। मैग्नीट्यूड स्केल जनरली हम रिचर स्केल को यूज करते हैं। ओके रिचर स्केल में एक क्या होता है कि लॉगरिथमिक स्केल है दोस्तों। ओके यहाँ पे मतलब कि एक अगर 5 यूनिट का अर्थक्वेक आ गया दोस्तों, 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हो गया एक जगह पे, 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हो गया, इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे जितना एनर्जी था दोस्तों यहाँ पे 30 टाइम मोर देन 31.5 टाइम ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है दोस्तों। ओके तो यही है मैग्नीट्यूड स्केल। और यहाँ पे जो नंबर लिखा जाता है 0 to 9 के बीच में दोस्तों इसका नंबरिंग होता है। तो जब जो भी 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं वो थोड़ा कम मतलब कि मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। ओके वहाँ पे डिस्ट्रक्शन थोड़ा कम होता है दोस्तों। जो 6 से ज़्यादा होते हैं 6, 7 ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक होता है दोस्तों। ओके तो ये दोस्तों सेकंड में हम पहले मैग्नीट्यूड स्केल को हम स्टडी किए थे दोस्तों। सेकंड में हमारा क्या है मर्काली स्केल। ओके मर्काली स्केल में क्या होता है कि डिग्री ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ पे नापा जाता है दोस्तों। ओके यहाँ पे एनर्जी इतना नापा नहीं जाता, डिग्री ऑफ डिस्ट्रक्शन उसी के ऊपर ये दोस्तों मर्काली स्केल यहाँ पे बेस है। तो मर्काली स्केल जनरली आपको यहाँ पे असाइन एन इंटेंसिटी ऑफ और रेटिंग टू मेजर एन अर्थक्वेक एट ए परपेंडिकुलर लोकेशन। ये क्वालिटेटिव है दोस्तों, वो क्या था क्वांटिटेटिव मेजर्स था। ओके कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आया दोस्तों, ये क्या है दोस्तों आपका क्वालिटेटिव मेजर। ओके कितना इंटेंसिटी का आया मतलब कितना डिस्ट्रक्शन हुआ। ओके कितना कम डिस्ट्रक्शन हुआ उसी के ऊपर बेस है दोस्तों, मतलब कि 1 to 12 तक उसका अर्थक्वेक नंबरिंग होता है दोस्तों। जो नीचे 1 नंबर वाला होते हैं वो आई नंबर वाला होते हैं दोस्तों, वो कम इंटेंसिटी वाला होते हैं।
एक्स टू आई वाला जो होते हैं दोस्तों, और ज्यादा इंटेंसिटी उनका जो डिस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो ये था मोरकाली स्केल। और एक स्केल भी है दोस्तों, रोसी फेरल स्केल। रोसी फेरल स्केल, तो रोसी फेरल स्केल भी यूज होता है दोस्तों इंटेंसिटी के लिए ही। इंटेंसिटी, वो भी एक इंटेंसिटी स्केल है। वहां पे जो नंबरिंग है दोस्तों क्या है, 1 to 10 तक है दोस्तों। 10 तक है, 1 to 10 तक है, ये भी दोस्तों इंटेंसिटी स्केल है। जहां पे ज्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक हो रहा है, मतलब यहाँ पे अगर 7-8 तो इसका मतलब यही है कि ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है दोस्तों। तो अर्थक्वेक को मापने के लिए हम दोस्तों दो स्केल यूज करते हैं, क्या क्या, एक दोस्तों आपका रिचर स्केल है, दूसरा हमारा ये क्वांटिटेटिव स्केल है। दूसरा दोस्तों क्वालिटेटिव, कितना डिग्री ऑफ डिस्ट्रक्शन हुआ उसी के ऊपर दोस्तों ये बेस है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जनरली अर्थक्वेक कहाँ कहाँ होते हैं। ये दोस्तों आपको देख सकते हैं ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट, इस एरिया पे दोस्तों आपका अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट होता है, सभी प्लेट बाउंड्री को आप यहाँ पे फोकस करते हैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली को देख सकते हैं, ये वाला प्लेट बाउंड्री, सभी प्लेट बाउंड्री में आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा दोस्तों, ऑल दी प्लेट बाउंड्री। वो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री हो सकता है, और कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री हो सकता है। तो सब जगह दोस्तों आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अर्थक्वेक का क्या क्या कॉज है हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मेजर कॉज होता है दोस्तों टेक्टोनिक कॉज दोस्तों। दूसरा कॉज वोल्कानिक, सरफेस कॉज, और मतलब कि कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया दोस्तों। मतलब कि कोस्टल एरिया में कुछ डिसरप्टमेंट हो गया। और सी वेव का दोस्तों डैशिंग हो गया, रेलवे ट्रेन, हैवी ट्रक है, लार्ज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो इनके कारण दोस्तों आपको अर्थक्वेक यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये दोस्तों कुछ मैन मेड कॉजेस भी हो सकते हैं, लैंडस्लाइड एक दोस्तों नेचुरल कॉजेस भी हो सकता है। अगर आइसबर्ग का गिरना, अगर ये पहाड़ से दोस्तों आइसबर्ग नीचे गिर रहा है दोस्तों, ये दोस्तों एक अर्थक्वेक आपको देखने को, मतलब कि सुनामी हो सकता है दोस्तों। सुनामी के बारे में थोड़ा देर बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके बाद वोल्केनिक कॉजेस, जहां पे वोल्केनिक के कारण भी दोस्तों बहुत सारे एनर्जी रिलीज होता है, उनके कारण भी दोस्तों आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन प्रोड्यूस अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में प्रीसीड एकम्पनी एंड फ्रीक्वेंटली फॉलो वोल्केनिक इरप्शन, दे आर कॉज बाय सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाभा विद इन और बेनिथ द अर्थ क्रस्ट। तो देयर आर टू जनरल कैटेगरी ऑफ अर्थक्वेक, दे कैन बी ऑकर एट ए वोल्केनो, वोल्केनो टेक्टोनिक अर्थक्वेक एंड लॉन्ग पीरियड अर्थक्वेक। वो बता रहा है दोस्तों अगर वोल्केनिज्म के कारण अर्थक्वेक हो रहा है उसको हम वोल्केनिक क्वेक भी बोलेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। यहाँ पे भी एनर्जी नीचे से दोस्तों एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो इसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं दोस्तों। तो और मेन है क्या है, टेक्टोनिक कॉजेस दोस्तों। प्लेट टेक्टोनिक कॉजेस के कारण दोस्तों आपको वर्ल्ड में 80 to 90, 85 to 90% ऑफ अर्थक्वेक देखने को मिलेगा दोस्तों। दुनिया में जहां पे भी प्लेट बाउंड्री आप देख रहे हो, चाहे वो सार्कम पैसिफिक प्लेट बाउंड्री हो सकता है, कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री हो सकता है, ईस्ट पैसिफिक रीज हो सकता है, मिड अटलांटिक रीज हो सकता है, तो सब जगह दोस्तों आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा दोस्तों। और इसके साथ ही मैं और थोड़ा आपको यहाँ पे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहूँगा कि एरिया में अर्थक्वेक कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है दोस्तों। वर्ल्ड अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों कहाँ कहाँ हुआ है दोस्तों। पहला है, सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों सर्कम पैसिफिक बेल्ट, सर्कम पैसिफिक बेल्ट पे दोस्तों आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। दूसरा दोस्तों मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट, मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट, यहाँ पे भी दोस्तों होता है। उसके बाद जितने भी सारे मिड ओशनिक रीज आप देख रहे हो, लाइक इंडियन ओशनिक रीज, ईस्ट पैसिफिक रीज, मिड अटलांटिक रीज, इन सभी में दोस्तों जितना भी आप रिफ्ट वैली देख रहे हो दोस्तों, रिफ्ट मतलब कि एग्जांपल ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में आपको जनरली बहुत सारे अर्थक्वेक देखने को मिलेगा दोस्तों। ये रिफ्टिंग क्या है दोस्तों, इंट्राप्लेट अर्थक्वेक। रिफ्टिंग को क्या बोलते हैं दोस्तों, इंट्राप्लेट
इंट्रा प्लेट मतलब विद इन द प्लेट आप अर्थक्वेक भूज अर्थक्वेक हुआ था दोस्तों। ओके नर्मदा रिफ्ट वैली एक एग्जांपल है इंट्रा प्लेट मतलब वहाँ पे इंट्रा प्लेट सेपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी दोस्तों अर्थक्वेक आपको देखने को मिलेगा। ओके आपको तो स्केल दोस्तों आपको बताया था मतलब कि वहाँ पे क्या होता है कि रिचर स्केल। ओके रिचर स्केल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ये एक लॉगारिथमिक स्केल है, क्वांटिटेटिव मेजर यहाँ पे दोस्तों जनरली होता है दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव मेजर मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला क्वांटिटेटिव, तो इसीलिए हम इसको बहुत हर जगह यूज करते हैं कितना मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। ओके तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एनर्जी रिलीज होता है यहाँ पे जो मतलब कि स्केल होता है 0 to 9 तक होता है दोस्तों, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होता है तो एक होता है 5, दूसरा मैग्नीट्यूड होता है 6, तो दोस्तों ये 10 टाइम मोर डिस्ट्रक्शन होता है। 5 जितना डिस्ट्रक्शन करेगा दोस्तों, अगर 6 में मतलब कि अर्थक्वेक हो गया तो ये दोस्तों 10 टाइम ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी कितना रिलीज होता है दोस्तों 31.5 होता है दोस्तों। ओके इतना एनर्जी दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा निकलता है। ओके एनर्जी और ये दोस्तों डिस्ट्रक्शन, इसके बारे में आपको मतलब पिछले स्लाइड में बताना भूल गया था, यहाँ पे बता रहा हूँ 10 times ज़्यादा डिस्ट्रक्शन। ओके यही है दोस्तों अर्थक्वेक, और उसके बाद दोस्तों हम इंडियन अर्थक्वेक जोन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके अर्थक्वेक जोन क्या क्या होता है, तो यहाँ पे और एक बात दोस्तों, आपको 3 types के जनरली अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, 3 types के। ओके एक होता है सालो फोकस अर्थक्वेक जो कि 0 to 70 kilometers के बीच में होता है दोस्तों, ये बहुत हाई मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक होता है। ओके और एक होता है इंटरमीडिएट अर्थक्वेक जो कि दोस्तों आपका 70 to 300 kilometers के बीच में होता है, और एक होता है डीप फोकस अर्थक्वेक जो कि दोस्तों 300 to 700 kilometers के डेप्थ में आपको देखने को मिलता है। तो 3 types के अर्थक्वेक होते हैं, सालो फोकस, एक इंटरमीडिएट, एक होता है दोस्तों हमारा डीप फोकस अर्थक्वेक। ओके तो डीप फोकस अर्थक्वेक बहुत ही ग्रेट डेप्थ में होता है। ओके और 700 kilometers के बाद हमें अर्थक्वेक देखने को नहीं मिलता है दोस्तों, इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं बेनी ऑफ जोन। ओके ये थोड़ा याद रख लेना, क्या बोलते हैं दोस्तों हम इसको बेनी ऑफ जोन दी जोन होयर नो अर्थक्वेक दिस मतलब कि 700 kilometers के डेप्थ के बाद अर्थक्वेक नहीं होता है, दी जोन होयर नो अर्थक्वेक ऑकर तो इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं बेनी ऑफ जोन बोलते हैं। तो यही है दोस्तों, और अर्थक्वेक का मेन जगह क्या होता है दोस्तों, एक होता है मिड ओशनिक रिज, एक होता है दोस्तों सबडक्शन जोन। ओके एक होता है मिड ओशनिक रिज, एक होता है दोस्तों आपका सबडक्शन जोन, और दूसरा और तीसरा होता है दोस्तों आपका कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री। तो दोस्तों मिड ओशनिक रिज पे आपको जनरली सालो फोकस अर्थक्वेक देखने को मिल जाएगा दोस्तों, सालो फोकस, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे ऊपर में ही डिकम्प्रेशन मेल्टिंग ऊपर में ही यहाँ पे रिलीज होता है, तो सालो फोकस अर्थक्वेक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो अर्थक्वेक होता है थोड़ा डीप फोकस होता है। ओके पार्शियल मेल्टिंग के कारण यहाँ पे अर्थक्वेक देखने को मिलेगा दोस्तों जहाँ पे सबडक्शन जोन। ओके तो यहाँ पे थोड़ा मतलब कि फोकस थोड़ा ज्यादा अंदर रहता है, और यहाँ पे दोस्तों सालो फोकस अर्थक्वेक 10 to 20 kilometers के